एक मिनट मैं आपके जाओ एक मिनट धाम खत्म हो जाए फिर बोल ले दो बोल ले अभी माननीय अभी फसल बीमा योजना के जो कॉल जो लगाए जा रहे हैं किसानों के द्वारा वो कॉल रिसीव नहीं हो रहे हैं किसी शिकायतें आ रही हैं। दो अलग अलग बातें हैं। जैसी बारिश हुई माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक की है, कृषि विभाग, राजस्व विभाग और सारे अधिकारियों को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को निर्देश दिए जा चुके हैं। फसल की जो क्षति जहां जहां भी हुई है, मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अर्ली वेरायटी के धान और उड़द की फसल और ज्यादातर सोयाबीन की फसल का नुकसान हुआ है, इन फसलों के आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां किसानों की एप्लीकेशन से आज मांग भी नहीं पहुंची है, वहां कृषि विभाग के और राजस्व विभाग के अधिकारी जाकर के इस प्रक्रिया को पूर्ण करा रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है, हम किसानों के साथ हैं। शिक्षक भर्ती तो कंटिन्यू चली रही थी, उसमें नया क्या हुआ? दो अलग अलग बातें हुई हैं। क्या है, छत्तीसगढ़ में सरगुजा, बस्तर और कोरबा, दक्षिण मध्य और उत्तर क्षेत्र में जो हम लोगों ने प्राधिकरण बनाया है, वहाँ कनिष्क चयन बोर्ड का चयन जो डिस्ट्रिक्ट कैडर के शिक्षक है, पोस्ट है, उसके लिए हम लोगों ने तय किया हुआ है। चूंकि उसके पूर्व छत्तीसगढ़ में ये शिक्षकों की भर्ती जितना 14,800 के बारे में जो जानकारी दिया गया वो पूर्व से ही विज्ञापित हो चुका था, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ थी। अब छत्तीसगढ़ के तीन चयन बोर्ड, कनिष्ठ चयन बोर्ड का गठन अभी संभावित है, तो वहाँ के पदों के लिए भी अलग से भर्ती अपने को करना ही है। तो इसलिए आज प्रस्ताव किया गया कि उन जिलों में भी जो रिक्तियां हैं और जो पूर्व से निर्धारित हमारी प्रक्रिया है उसको जारी रखा जाएगा, और कनिष्ठ चयन बोर्ड के गठन होने के पश्चात वहाँ की जो रिक्तियां हैं उसको उसके माध्यम से नियुक्ति की जाएगी। अंतर केवल ये है, 14,500 में होंगे? नो, 14,500 तो होंगे ही होंगे, और जो रिक्तियां हैं और आने वाले समय के संभावित, क्योंकि बड़ा हमला है शिक्षा विभाग का, हर साल 8,000 से 10,000 शिक्षकों की रिटायरमेंट का एज हो जाता है, तो वो सारी भर्तियां हमारे कनिष्ठ चयन बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। ये तो सब प्रक्रिया है, रिक्तियां बढ़ती जाएंगी। अभी हमने कहा ना कि अभी जो उन जिलों की जो रिक्तियां थी जो कनिष्ठ चयन बोर्ड के माध्यम से हो सकती थी वो 2,500 के आसपास थी, लेकिन वो हम लोगों ने जो अभी 15,000 जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा जो विज्ञापित और परीक्षा होने के बाद की प्रक्रिया जो लगभग अंतिम चरण में है, उसके अतिरिक्त भी लगभग 7,000 से 8,000 पदों में हर साल रिक्तियां होती हैं। इसलिए उसके कारण इन जो चयन बोर्ड के गठन के कारण इससे प्रभावित नहीं होगा। हम इस साल का जो चयन है इसके माध्यम से कर रहे हैं, आने वाले समय में हम कनिष्ठ चयन बोर्ड के माध्यम से करेंगे। अकबर जी, जो हाउसिंग बोर्ड के मकान का रेट कम करने के बारे में हुआ, इसके बारे में एक बैठक रखी गई है हाउसिंग बोर्ड में, लेकिन ये पूरा प्रस्ताव मंत्रिमंडल के सामने लाया जाएगा, उसके बाद ही फैसला होगा, लेकिन प्रक्रिया चल रही है। क्या इसकी वजह से भार पड़ रहा है, क्या ज्यादा रेट में मकान रहे हैं वो बिक नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से क्या हाउसिंग बोर्ड में क्या प्रभाव हुआ है? नहीं, उसका एक दृष्टिकोण ये भी है कि जो 30% रजिस्ट्री के दर में जो कमी आई है तो उसके कारण भी थोड़ा प्रभाव पड़ा है, और बहुत से मकान लगभग 3,500 मकान है जिसके कारण जो मकान बिक नहीं पा रहे हैं, तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जो हाउसिंग बोर्ड का जो संचालक मंडल है वो उसमें निर्णय लेके फिर उसको मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा और प्रस्तावित किया जाना है। मंत्री जी, आज उद्योग नीति को लेकर के भी कोई बातचीत हुई क्या? नहीं, उद्योग नीति को लेकर नहीं, आज कोई बारे में बात नहीं। अमरजीत, एक कुछ बोला पहले बोलना था, उसके पहले मैं कल जो दो पुरस्कार की घोषणा करनी शेष रह गई थी, प्रक्रिया दिन थी, हर वर्ष स्थापना दिवस के अवसर पर जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार की घोषणा करनी बाकी थी, जो आदिवासियों के सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान जिनका रहता है उनको दिया जाता है। इस हेतु जूरी के द्वारा श्री गंगाराम पैकरा निवासी लखनपुर जिला सरगुजा को चयन किया गया है, इनको शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरा, स्वर्गीय भंवर सिंह पोर्ते स्मृति
सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। ये इस बार अभ्यारण्य शिक्षण समिति मुंगेली को दिया जाना तय किया गया है। तो इस प्रकार से जो समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ जो लिखे थे उसकी पक्षाक्षेप होती है कि अब दूसरा नाम बता, दूसरा नाम पूछ रहे, दूसरा शिक्षण संस्था है अभ्यारण्य शिक्षण समिति। जी जी, अभ्यारण्य शिक्षण, अच्छा अभ्यारण्य शिक्षण समिति अभ्यारण्य जिला मुंगेली। और आप सभी लोगों को कार्यक्रम में आने के लिए मैं न्योता देता हूँ और सब लोग आए और उस उत्सव में सम्मिलित हैं। सब लोगों को आग्रह करता हूँ सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। जो भी परिस्थिति, जो भी परिस्थिति बनेगी, हर परिस्थिति में किसानों से धान खरीदा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मंत्रिमंडल ने ये बात तय किया है कि जो हमने घोषणा किया है उसको हम पूरा करेंगे। थैंक यू। अभ्यारण्य मुंगेली करवाता हूँ।